नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज लाए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नोटिस MPNHM की तरफ से, जो कि 22 अक्टूबर 2019 को अपलोड की गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रिक्वेस्ट आपसे, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो में क्या है आगे। तो ये आपकी नोटिस है 22 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश की तरफ से नोटिस अपलोड की गई है MP ऑनलाइन साइट पे। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा सहायक दंत शल्य चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन तथा STLS वर्ष 2019 के पद की भर्ती परीक्षा MP ऑनलाइन द्वारा दिनांक 2 नवंबर 2019 को आयोजित की जा रही है। यानी आपका इसका एग्जाम 2 नवंबर 2019 को कंडक्ट होगा, ठीक है। तो उक्त पदों की परीक्षाओं हेतु आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र प्रेषित किए गए थे। अतः सूचित किया जाता है कि उक्त पदों हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर एक ही परीक्षा में शामिल होना है, यानी कि इन दोनों पोस्ट का एग्जाम एक ही दिन होगा और एक ही टाइम होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है उक्त पदों हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों के आधार पर एक ही परीक्षा में शामिल होना है एवं प्राप्त अंकों के आधार पर उपरोक्त पदों के लिए पात्रता अनुसार मेरिट सूची में नाम शामिल किया जाएगा। ये हुई आपकी पहली नोटिस। एंड सेकेंड नोटिस क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपकी दूसरी सेकंड नोटिस, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका ये भी, ये कब का है, ये 21 अक्टूबर को अपलोड की गई है। तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा आयुष चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी और होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी चिकित्सा अधिकारी वर्ष 2019 को परीक्षा आयोजित करनी है। जिला उज्जैन सतना सागर को भी परीक्षा केंद्र में शामिल किया, मतलब जो पहले परीक्षा केंद्र थे उसमें और ऐड किए गए हैं एग्जाम सेंटर उज्जैन सतना सागर, यानी तीन डिस्ट्रिक्ट। दिनांक 19/11/2019 को आयोजित की जाने वाली, ये इसका एग्जाम होगा 19 नवंबर 2019 को, ठीक है, आयोजित की जाने वाली उक्त परीक्षा केंद्र के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन द्वारा जारी किए जाएंगे। यानी कि इसके प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे और इसका एग्जाम 19 नवंबर 2019 को होगा। तो ये दो नोटिस रही इम्पॉर्टेंट नोटिस, जो कि जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हुआ है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इस नोटिस को देख सकते हैं। और जो आगे भी ऐसी ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर MP ऑनलाइन की तरफ से आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड की जाती है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से उसकी सूचना मिलती रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं आपने सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे कि सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगी। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।